हेलो एंड वेलकम टू वी थ्री कार्स। आज हम हैं होंडा एलिवेट के साथ और हम इसे एक लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा रहे हैं और इस ड्राइव पे हम इसके डायनामिक्स, परफॉर्मेंस और इन जनरल कंफर्ट टेस्ट करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ दिस ड्राइव हम पहुंच जाएंगे भरतपुर, जहां पे हम बर्ड सैंक्चुरी देखेंगे और लोहागढ़ फोर्ट देखेंगे एंड वील स्टे देयर फॉर वन नाइट। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो हम इस पूरे ट्रिप का एनालिसिस आपको देंगे वीथिका स्टाइल में। तो चलिए इस ट्रिप को स्टार्ट करते हैं। दिल्ली NCR से भरतपुर जाने के तीन मेन रास्ते हैं। एक नेशनल हाईवे 19 से वृंदावन होते हुए जाता है, दूसरा ताज एक्सप्रेसवे से मथुरा होते हुए और तीसरा NE4 यानी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। NE4 वाला रूट थोड़ा लंबा है लेकिन ETA में ज़्यादा फर्क नहीं है। मोरोवर ये प्रिडिक्टेबल और सीनिक भी है। The best thing about expressways is कि यहाँ पे आपको चौड़ी सड़कें मिलती हैं, स्पीड लिमिट्स यूजुअली ज़्यादा होती हैं और ट्रैफिक कंजेशन कम होता है। तो जिस रिलैक्स्ड फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आप किसी वेकेशन पे घर से निकलते हैं, दैट थिंग यू कैन कैरी इन योर ड्राइव एज वेल। मोरओवर अगर कभी ऐसा होता है कि कोई दो सिटीज़ हाईवे और एक्सप्रेसवे दोनों से कनेक्टेड हैं, सो इन दैट केस देन एक्सप्रेसवे बिकम्स द डिफ़ॉल्ट चॉइस। और इन कंडीशंस पे, ऐसी रोड्स पे क्रूज कंट्रोल बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, क्योंकि आपकी ड्राइव को ज़्यादा रिलैक्स्ड कर देता है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, अगर आपकी कार में अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल है तो आपका सिर्फ एक्सपीरियंस ही और ज़्यादा एनहांस नहीं होता बल्कि ड्राइव ज़्यादा सेफ भी हो जाती है। इस ड्राइव पे करीब 120 किलोमीटर के बाद हमने एक ब्रीफ स्टॉप लिया। ये हमारी जर्नी का मिड पॉइंट था और इसके बाद एक्सप्रेसवे की ड्राइव ज़्यादा नहीं थी, सो वी थॉट इट्स बेटर टू टेक अ क्विक ब्रेक। तो ये देख लें कि नीचे इसमें कितनी कम ग्लाइडिंग, हर जगह भी कम। सो वी वर जस्ट डिस्कसिंग एलिवेट्स फ्रंटल डिजाइन लैंग्वेज और हमने ये रियलाइज किया है कि ये काफ़ी कन्वेंशनल SUV होने के बाद भी काफ़ी डिफरेंट लगती है, एंड दैट इज़ बिकॉज इसकी क्लैडिंग बहुत थिन है, बट इट स्टिल लुक्स मस्कुलर, स्टिल लुक्स बॉक्सी, सो इट ब्रिंग्स अ फ्रेश टेक ऑन SUV डिज़ाइन लैंग्वेज। एनीवे, इट्स टाइम फॉर अस टू हिट द रोड अगेन। तो चलिए अब जल्दी भरतपुर चलते हैं। एलिवेट को लॉन्ग ड्राइव पे चला के हमने दो चीज़ें रियलाइज़ की जो इसकी स्टैंड आउट करती हैं, एंड वन ऑफ देम इज़ कम्फर्ट। इसकी सीट्स कम्फर्टेबल हैं, द सस्पेंशन इज़ रियली वेल ट्यून्ड, तो राइड इन जनरल बहुत ही कम्फर्टेबल है। सेकेंड थिंग इज़ डायनामिक्स। जिस तरह से ये हाई स्पीड्स पे केबिन स्टेबिलिटी मेंटेन करती है, केबिन कंपोजर मेंटेन करती है, दैट स्टैंड आउट, और इसकी वजह से इसके लेन चेंजेस बहुत ईजी हो जाते हैं। एलिवेट में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन आता है जो 121 PS की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है। ये इंजन इस सेगमेंट का सबसे ज़्यादा पावरफुल नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। अगर इंजन ज़्यादा पेपी या रिस्पॉन्सिव होता है तो ये लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ड्राइवर फटीक रिड्यूस करता है। अगर हम ड्राइवर फटीक की बात करें तो ADAS का भी एक ऐसा फीचर है, लेन कीप असिस्ट, जो सिग्निफिकेंटली फटीक रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ये फीचर कार को एक ही लेन में ड्राइव करने में हेल्प करता है, एंड दैट reduces stress on your shoulders. एक्सप्रेसवे से भरतपुर की तरफ टर्न करने के बाद सिर्फ 1.5 hours की ही जर्नी रह जाती है। यहाँ एक दो जगह बड़े स्पीड ब्रेकर्स हैं और एक रेलवे क्रॉसिंग है जहाँ सड़क थोड़ी खराब है, लेकिन इतनी नहीं कि एलिवेट की ग्राउंड क्लियरेंस इसे टैकल ना कर पाए। भरतपुर पहुंचने का हमारा टोटल ड्राइव टाइम 3.5 घंटे रहा। वी रीच्ड हियर विद मिनिमल फटीग एंड वर एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम भरतपुर। सुबह के 9 बज गए हैं और आज हम एक्सप्लोर करेंगे भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी और लोहागढ़ फोर्ट। चलिए चलते हैं।
भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी में हमने एक गाइड हायर किया और बाइसिकल्स पे पूरा टूर किया, यहाँ देखने के लिए इंडियन और रशिया और साइबेरिया जैसी कंट्रीज के माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। टेलीस्कोप से इन्हें पास से देखने का एक्सपीरियंस स्पेशल था। Nice. All male is separated and female is separated. Okay. And within next month, they all get separate. They choose the pair and then they migrate back. Okay. So these birds don't breed here. These birds all breed in Russia. As you know, India is a vast country. We have a lot of national park and sanctuary. Where you can see about 400,000 different type of birds. It is a paradise for the birds. Previously, it was a private property belonged to Bharatpur Maharaja. It was the hunting reserve place. Later, it has been promoted as a sanctuary. So human activities were permitted in that time. Now it is become a national park. यहाँ पे बर्ड्स के अलावा हमने डियर को भी पास से देखा। बर्ड्स और एनिमल्स को अनकेज्ड देखने का व्यू मेस्मराइजिंग है, तो यहाँ टाइम बहुत जल्दी बीतता है, इसलिए हमें लगता है कि आपको यहाँ सुबह जल्दी आना चाहिए और 4 से 5 घंटे स्पेंड करने चाहिए। तो भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी में हमने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया और यहाँ की वाइल्ड लाइफ को उनके नेचुरल हैबिटेट में देखना वॉज रियली रिफ्रेशिंग। चलिए अब लोहागढ़ फोर्ट की तरफ चलते हैं। लोहागढ़ फोर्ट एक अजय किला है, यानी इसे कभी कोई एनिमी जीत नहीं पाया और यही इसकी खासियत है। इसमें एक म्यूजियम है और यहाँ ना सिर्फ महाराजा सूरजमल के वेपन्स बल्कि भरतपुर और इसके एडजॉइनिंग एरियाज में से खोदी गई पुरानी शिल्प कला भी देखने को मिलेगी। यहाँ आप 1 से 2 घंटे का टाइम स्पेंड कर सकते हैं। Alright, so this was our short yet memorable trip to Bharatpur. क्योंकि भरतपुर NCR या जयपुर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो हमें लगता है कि आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आके भी एक शॉर्ट वीकेंड प्लान कर सकते हैं। वी ऑल्सो गॉट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद एलिवेट ऑन दिस ड्राइव, और अब हम कन्विक्शन के साथ कह सकते हैं कि लॉन्ग ड्राइव्स पे एलिवेट बहुत कम्फर्टेबल रहती है। विद इट्स ADASTEC एंड पेपी इंजन, यू कैन ऑल्सो बी श्योर कि एज अ ड्राइवर आप इसमें बहुत ज़्यादा फटीग फील नहीं करेंगे, एंड सो यू कैन एन्जॉय योर हॉलीडे टू द मैक्सिमम। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन में इस ट्रिप को एनालाइज करते हैं। दिल्ली NCR या जयपुर से भरतपुर एक आइडियल शॉर्ट वीकेंड ट्रिप है। यहाँ आप अर्ली मॉर्निंग निकल के लोहागढ़ फोर्ट और म्यूजियम देख सकते हैं। नेक्स्ट डे आप अपना फुल टाइम बर्ड सेंचुरी के लिए डेडिकेट कर सकते हैं एंड यू विल बी एबल टू हैव अ होलसम क्विक हॉलीडे एक्सपीरियंस। चलिए अब इस ट्रिप को समराइज करते हैं। दिल्ली NCR से भरतपुर जाने के लिए मल्टीपल रूट्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सिंस हमारा स्टार्टिंग पॉइंट गुड़गांव था, तो हमने इन 3 ऑप्शंस में से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को शॉर्टलिस्ट किया फॉर कंफर्ट एंड ईज ऑफ ड्राइविंग। इस रूट का डिस्टेंस जरूर ज्यादा था, बट टाइम उतना ही लगा जितना बाकी रूट से लगना चाहिए था। इस रूट की रोड्स एज एक्सपेक्टेड स्मूथ थी। ये 8-लेन हाईवे है विद प्रॉपर मार्किंग्स एंड साइन बोर्ड्स। NE4 से एग्जिट के बाद NH21 आपको भरतपुर तक लेके जाता है। ये एक 4-लेन हाईवे है विद सम पैचवर्क, बट आवर ड्राइव वाज कंफर्टेबल।
इन रोड्स पे हमने एलिवेट में आराम से ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे क्रूज किया एंड इट मेड अस रियलाइज कि ये इस सेगमेंट में ड्राइविंग डायनामिक्स, स्पेस, कंफर्ट और सेफ्टी वाइज स्टैंड आउट करती है। एनी 4 पे एडिक्वेट स्टॉप्स अवेलेबल हैं विद प्रॉपर रेस्ट रूम्स। हम रेकमेंड करेंगे कि आप यही स्टॉप लें इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ हॉल्ट ऑन NH21। इस ट्रिप पे ट्रैफिक स्मूथ था और हमारी ओवरऑल एवरेज स्पीड अराउंड 60-65 किलोमीटर पर आ रही। NH21 पे ट्रक्स का ट्रैफिक एनी 4 के कंपैरिजन में डेंस था। कार से भरतपुर का शॉर्ट वीकेंड ट्रिप 2 लोगों के लिए अराउंड 20,000 और 4 लोगों के लिए एस्टिमेटेड 32,000 कॉस्ट करेगा। टू गेट अ बेटर आइडिया आप अभी टेबल में कॉस्ट ब्रेकअप देख सकते हैं। और इसी के साथ खत्म होती है ये वीडियो। अगर आपके एलिवेट या भरतपुर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है या इस वीडियो फॉर्मेट को लेके कुछ सजेशन है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।